एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, अभी हो रहे हैं रात के 8 और मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। रात का खाना बनाना है मुझे और सब्जी कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, तो वापस से काफ़ी सोचने समझने के बाद, सभी से पूछने के बाद डिसाइड हुआ कि सांभर बनाते हैं। तो वही मैंने सांभर के लिए थोड़ी बहुत सब्जियाँ निकाली हैं, उसे कट कर रही हूँ। और सही में जब भी एक बार खाना बनाती हूँ, दिमाग काफ़ी दौड़ाना पड़ता है कि अभी क्या बनाऊँ, खासकर सब्जियों को लेकर, क्योंकि बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। और रात में क्या होता है ना, बिल्कुल मसालेदार सब्जियाँ खाने की मन ही नहीं करता है, एकदम हल्का सादा सिंपल मन करता है। और आज क्या था कि आज मैंने चावल भिंगो दिया था रोटी के लिए, क्योंकि आटा रोटी खा करके भी बोर लगता है, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए, थोड़ा सा मेकअप करने के लिए मैं बीच बीच में चावल की रोटियाँ बना देती हूँ, ताकि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो। तो चावल भिंगोया था रोटी के लिए मैंने, तो उसके साथ क्या सब्जी बनाया जाए। तो फिर उसके बाद सबने सांभर खा और इजी भी होगा, क्योंकि अभी बज रहे हैं 8, 8 से 9 के बीच मुझे जैसे भी खाना रेडी करना है, क्योंकि मेरा मानना है कि सब चीज़ का एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे काम हम टाइम के अकॉर्डिंग एकदम करते हैं कि इतने बजे तक काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए घर के, ठीक वैसे ही खाने के वह टाइम टेबल होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर हम खाना लेते हैं तो शरीर काफ़ी हेल्दी रहता है। तो इसलिए मैंने भी टाइम टेबल थोड़ा बहुत सेट करके रखा है अपने घर का, कि इतने बजे तक हमें खाना खा लेना है हम सभी को। क्योंकि देखिए, खाना खाने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे काम खत्म हो जाते हैं, उसके बाद भी हमें हमारे बहुत सारे काम रहते हैं। तो जितने जल्दी ये रात का खाना खत्म होगा, उतनी जल्दी बाकी हम अपना काम सारा फिनिश करेंगे। तो खाना खाने के बाद हमें पूरा किचन समेटना रहता है, बर्तन जितने भी हैं सारे उन्हें वॉश करने रहते हैं, क्योंकि मैं जूठे बर्तन कभी भी रात में सिंक में नहीं छोड़ती हूँ। ऐसे भी आप लोगों को पता है कि मेरे यहाँ कोई हेल्पर आती नहीं है कि हेल्प करे, मुझे ही सब करना है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग काम करती हूँ, जिससे मेरे लिए सारा काम काफ़ी ईजी हो जाए। तो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक मैं अपने लिए एक रूटीन सेट करके रखती हूँ कि मेरे क्या क्या काम है, मुझे कैसे कैसे काम करने हैं, किचन के काम कैसे कैसे करने हैं, खाना पीना का क्या टाइम टेबल होना चाहिए, वो उस अकॉर्डिंग सेट करके रखती हूँ, ताकि मेरे काम भी जल्दी फटाफट हो जाए और खाना का भी टाइम टेबल इधर से उधर ना हो। तो चलिए, सांभर के लिए सब्जियाँ मैंने कट करके रख दी थी, तो सबसे पहले सांभर बैठा देते हैं, क्योंकि सांभर होने के बाद जो चटनी है रोटी वो तो फटाफट हो जानी है। तो सांभर में मैंने डाला है थोड़ा सा गोभी लिया था मैंने आधा टुकड़ा, गाजर मैंने 2 लिए थे और लौकी मैंने लिया है, बस यही मैं सब्जी यूज कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारा सब्जी भी जब सांभर में डाल देती हूँ ना, तो बच्चे को जो जो पसंद है वेजिटेबल, बस उन्हीं को वो खाते हैं और फिर बाकी वेजिटेबल को निकाल के रख देते हैं, इसलिए उन्हें जो पसंद है सिर्फ वही वेजिटेबल मैं यूज करती हूँ सांभर में, और अदरवाइज और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो चलिए, सांभर फटाफट बैठा देते हैं। तो सांभर मैंने बैठा दिया था इंडक्शन में, और जब तक सांभर होता है तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। तो चावल मैंने शाम में ही भिंगो दिया था, तो चावल अच्छे से भींग गया है, तो उसे अब फटाफट मैं ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी, अच्छा सा उसका पेस्ट बना लूँगी। अच्छा, आटे की रोटियाँ जब हम बनाते हैं तो आटा गूँथ के हम उसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ते हैं, एटलीस्ट 15-20 मिनट तक, ताकि रोटियाँ हमारी काफ़ी सॉफ्ट और अच्छे से फूले और काफ़ी नरम बने। तो ठीक वैसे ही चावल की रोटियाँ भी जब हम बनाते हैं ना, तो जो उसका पेस्ट होता है उसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि रोटियाँ हमारी सॉफ्ट और काफ़ी टेस्टी लगे। तो एक बार इसे अच्छे से चला लेते हैं कि पेस्ट कैसा है, ज़्यादा मोटा तो नहीं है, क्योंकि रोटियाँ बनानी एकदम पतली पतली, तो पेस्ट ज़्यादा मोटा होना भी नहीं चाहिए। तो चलिए, ये काम भी हो गया मेरा, और अब चलते हैं हम नेक्स्ट काम की तरफ। तो जब सांभर मेरा बन गया है, चावल भी मैंने पीस लिया है, तो फिर चटनी क्यों ना बनाई जाए। तो चटनी भी चलिए बना लेते हैं, और खासकर चना दाल की चटनी बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद है। मैंने बादाम की चटनी बनाई है, नारियल की चटनी बनाई है, बट वो उसे उतने मज़े से खाते नहीं है। टमाटर और प्याज की चटनी भी बनाई है, बट उतने अच्छे से खाते ही नहीं है, उन्हें चने दाल की ही चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मोस्टली चने दाल की ही चटनी मैं बनाती हूँ जब भी ये सब बनाती हूँ, चाहे इडली बना रही हूँ, डोसा बना रही हूँ, या चावल की रोटी ही बना रही हूँ, तो मोस्टली चना दाल की ही चटनी बनाती हूँ। तो चना दाल भी मैंने थोड़ा सा तवा में डाल के फ्राई कर लिया था। चना दाल जब भुंजा गया तो उसे थोड़ी देर मैंने ठंडा होने दिया, उसके बाद उसमें लहसुन मिर्चा और थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ा सा पानी डाला है, और उसके बाद इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे, तो चना दाल की चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। तो जब तक ये सारा काम मैं कर रही थी, तब तक मेरा सांभर भी हो चुका था। तो चलिए, इसे फटाफट छौंक लगा देते हैं। तो छौंक लगाने के लिए तेल मैंने गर्म किया था, और लगा मुझे कि तेल गर्म हो चुका है, और मैंने लाल मिर्चा डाल दिया था, बट तेल गर्म हुआ नहीं था उस वक्त, अब जाके तेल थोड़ा गर्म हुआ है। तो फिर मैंने उसमें काला सरसों ऐड किया, तो जब वो चटक गया, उसके बाद फिर वही सिंपल सा थोड़ा सा प्याज
और उसके बाद जब वो प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद आधा टुकड़ा मैंने टमाटर लिया है। टमाटर बिल्कुल मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इमली को घोल के रखा है पानी में, तो इमली डालूंगी तो वैसे भी खट्टा हो जाएगा, तो टमाटर की ज़रूरत उतनी है नहीं। तो बस मैंने टमाटर डाला, उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर, उसके बाद मेन सांभर मसाला पाउडर वो डाल दिया। और ये देखिए इमली मेरी, इसका पानी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, बहुत खट्टी इमली है तो बस थोड़ा सा ही ऐड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा सांभर तो फिर अच्छा मज़ा नहीं आएगा। और उसके बाद फिर मैंने सांभर ऐड कर दिया। तो ये रही मेरी सांभर, बस इसे 10 मिनट के लिए गैस पे छोड़ेंगे और बस ये रेडी है। तो सांभर रेडी था, चटनी रेडी था, बस बारी थी अब रोटी बनाने की। तो चलिए रोटियां भी बना लेते हैं क्योंकि 10-15 मिनट हो चुका है पेस्ट को मेरे रखे हुए, तो रोटियां बड़ी अच्छी बनने वाली है। और चावल रोटी गर्मा गर्म खाओगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठंडा भी खा सकते हो बट गर्मा गर्म रहेगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं इधर फटाफट रोटियां बनाती हूँ और इधर फटाफट बच्चों को लगाती हूँ, बच्चे जब खा लेंगे फिर हम भी उसके बाद खा लेंगे साथ ही साथ। तो जी आज रात का खाना मेरा ये रहा, सांभर चना दाल की चटनी और गर्मा गर्म रोटियाँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो खाना वाना कंप्लीट करने के बाद, पूरे किचन को अच्छे से समेटने के बाद मैं आ गई थी आधा टुकड़े टमाटर के साथ अपने स्किन केयर रूटीन के लिए, जो कि नाइट में थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ क्योंकि ज़रूरी भी है, काम एक तरफ आपका स्किन केयर रूटीन एक तरफ, क्योंकि समय के साथ अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए रात में मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो मैं थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ क्योंकि दिन में ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि ये सब करने के बाद मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ी देर के लिए आप गैस के पास, मतलब गैस से जितनी हो सके दूर रहो, आग से जितना हो सके दूर रहो, तभी आपकी स्किन पर वो ग्लो आता है, निखार आता है। बट मॉर्निंग में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से हमेशा किचन में हमें जाना ही और कुछ ना कुछ हमेशा बनाना ही है। तो इसलिए रात में मुझे ये मतलब अच्छा लगता है कि रात में करके सो जाओ आराम से और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो काम करना है करो। तो इसलिए रात में ही मैं मोस्टली करती हूँ। तो मैंने आधा टुकड़ा टमाटर लिया है, उसे पूरे अच्छे से चेहरे में मैंने रगड़ लिया है और बस 5-10 मिनट छोड़ूंगी। तो उस बीच क्या करती हूँ कि थोड़ा सा बालकनी में आ जाती हूँ, थोड़ा सा मतलब 2-4 राउंड लगा लेती हूँ। बालकनी तो इतनी बड़ी है नहीं बट जितनी भी है, जितना भी स्पेस है उसी में थोड़ा बहुत घूम भी लेती हूँ और अच्छा भी लगता है। और जो टमाटर जो मैंने चेहरे पे स्क्रब किए हैं वो अच्छे से सूख भी जाता है और रात में बहुत अच्छा लगता है बालकनी में, एकदम शांत माहौल और बहुत सुकून लगता है मन को भी और दिमाग को भी। और दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा कितना प्यारा लगता है रात में, तो ऐसा कुछ लगता है। और मैं आप लोगों को चांद दिखाती हूँ जो पेड़ के पीछे छोटा सा दिख रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, ये सब चीज़ें हमें गाँव में ही देखने को मिलती है मोस्टली ज़्यादातर। तो ये देखिए ये चांद कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा ही है बट बहुत प्यारा लग रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा दूँ, तो बहुत अच्छा लगता है रात में ये सब देख के, काफ़ी सुकून लगता है। ओके तो जी जो मैंने चेहरे में टमाटर लगाए थे वो पूरे अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो फिर आके मैंने तुरंत चेहरा वॉश कर लिया और फटाफट चलिए तौलिए से इसे पोंछ लेते हैं। और उसके बाद जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज करती हूँ उसे बस चेहरे में लगा लूँगी क्योंकि कुछ भी चेहरे में लगाने के बाद रात में ऐसे ही नहीं सोना चाहिए। कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लगा लो, जो भी आप यूज करते हो, तो मैं यहाँ जो यूज करती हूँ मॉइस्चराइज़र वो मैं लगा रही हूँ। तो कुछ ऐसा रहता है मेरा नाइट का रूटीन। तो चलिए फ्रेंड अब सोते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से एक नई एनर्जी के साथ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उठते के साथ सबसे पहले पर्दों को हटाते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप आनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि गर्मियाँ अब आ रही है ना, तो सूर्य भगवान भी जल्दी ही उग जाते हैं और धीरे धीरे धूप भी, मतलब 7 बजे तक तो प्रॉपर धूप आ ही जाती है। तो धूप हल्के हल्के आनी स्टार्ट हो गई, तो खिड़कियाँ खोल देते हैं, थोड़ी बहुत धूप अंदर घुसेगी और उसके बाद बालकनी भी फटाफट खोल लेते हैं क्योंकि ना बंद बनना अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कुर्ते के साथ ही मैं सारी खिड़की दरवाजे खोल दूं और उसके बाद थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक कर लेते हैं क्योंकि अभी जाके किचन में लगना है, तो थोड़ा सा चेहरा थोड़ा सा बाल ठीक कर लेते हैं क्योंकि अभी किचन से स्टार्ट होगा काम। उसके बाद किचन के सारे काम खत्म हो गए, फिर घर के कामों में लगूंगी। तो अभी जब तक नहा नहीं लेती हूँ तब तक फिर मौका नहीं मिलेगा अपने आप को एक बार भी अच्छे से देखने का या फिर अपना हुलिया बदलने का। तो मॉर्निंग में उठने के बाद एक बार अच्छे से बालों को अच्छे से जुड़ा या जो भी करना है बना लेती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन के कामों में लगती हूँ क्योंकि काम एक तरफ और अपने आप को भी थोड़ा सा बीच बीच में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोई आपकी केयर नहीं करेगा अगर आप अपनी खुद की केयर नहीं करोगे। तो इसलिए बीच में अपना एक बार थोड़ा बहुत देख लो आईने में से
चेहरा, ताकि आपको भी एक अच्छी सी वाइब्स आए। क्योंकि अपने आप को जितना फिट रखोगे, जितना अच्छा रखोगे, काम करने में भी उतना ही मज़ा आने वाला है और लोग भी आपकी तारीफ उतनी ही करने वाले हैं। तो चलिए, सब कुछ मतलब बाल उल अच्छे से मैंने बना लिया था और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो अभी मुझे बनाना था प्रीत के लिए टिफ़िन, तो आज मैं बनाऊँगी उसके लिए ब्रेड सैंडविच। तो रात में ही मैंने आलू जो मसाला आलू रेडी करते हैं वो मैंने कर लिया था, तो अभी बस मुझे ब्रेड निकाल के बनाना था फटाफट, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है और अगर आप मॉर्निंग में आलू बॉयल करोगे फिर आलू का मसाला रेडी करोगे तो बहुत लेट हो जाता है, तो इसलिए मैंने रात में ही ये सब कर लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट ब्रेड निकाला है मैंने और फटाफट सैंडविच रेडी करते हैं और उसके बाद नाश्ता भी बनाना है जो वो घर से खा के जाएगा। ये तो टिफिन के लिए मैं बना रही हूँ और नाश्ता बनाऊंगी जो घर से रोटी सब्जी खा के वो जाएगा, और उसके बाद घर के पूरे काम बाकी है क्लीनिंग डस्टिंग के वो करने हैं, तो फटाफट उसके लिए सबसे पहले टिफिन रेडी करते हैं। तो टिफ़िन हो गया था और प्रीत स्कूल चला भी गया था लेके, नाश्ता वास्ता करके नाश्ता भी मैंने इसी बीच बना लिया था। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हो सैंडविच, ये अलग से मैंने युग के लिए बनाया है, क्योंकि किसी एक के लिए आप बना नहीं सकते, कुछ भी बना रहे हो दोनों के लिए बनाना है, तो उसके लिए भी मैंने बना के रख दिया है। तो इसे ढक देते हैं और साथ ही साथ मैंने चाय भी बैठा दिया है हमारे लिए। तो चाय पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने मेन काम जो होता है क्लीनिंग एंड डस्टिंग, जो मैं पर डे करती हूँ, एक दिन भी स्किप नहीं करती हूँ और यही रूटीन मैं फॉलो भी करती हूँ, जिससे मेरे काम सारे ईजी भी हो जाते हैं और मेरा रूटीन भी एकदम मेंटेन रहता है। जिस रूटीन के साथ मैं सोती हूँ उसी रूटीन के साथ मैं उठ भी जाती हूँ और घर के सारे काम भी मेरे फटाफट ख़त्म भी हो जाते हैं, चाहे कोई भी सीज़न हो, गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, कोई भी सीज़न हो, मेरा रूटीन वही रहता है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो भी कोशिश यही रहती है कि फिर भी मैं किसी तरह अपने कामों में स्पीड चाहे बढ़ाऊँ या जो भी करूँ, अपना काम टाइम पे ख़त्म करूँ। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।